तो अगर आप दिवाली तक मास्टर बनना चाहते हैं ताश के पत्ते में मास्टर बनना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पर वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि आप ताश में मास्टर कैसे बन सकते हो उसका आप जो मैजिक ट्रिक होता है आप दिवाली तक मैजिक दिखाने का जो मास्टर होता है वो आप कैसे बन सकते तो यह वीडियो सिर्फ अट्ठारह साल के ऊपर वालों के लिए तो प्लीज यह वीडियो बच्चे ना देखें और बाकी यह वीडियो कोई गलत नहीं है इसमें बस सिर्फ मैजिक दिखाया गया है मैजिक में आपको दिखाएंगे कि आप बिना देखे पत्ती कैसे पहचान सकते हैं और अच्छे अच्छे जुआरियों का पसीना छुड़ा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है आपको वीडियो को पूरा देखना है बिल्कुल स्किप नहीं करना है और वीडियो पसंद आ जाए तो एक बार और रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आ जाए तो क्लिक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलिए हम आपको एक छोटे से इंटरव्यू के बाद वीडियो में लेते हैं तो चलिए भाई मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ताश का जो मैजिक है मैजिक कैसे दिखाया जाता है उसको मैं पहले आपको करके दिखाऊंगा फिर आपको मैं इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा कि ये मैजिक हुआ कैसे तो जैसे देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से कोई एक पत्ता निकालता हूँ मैंने यहाँ से एक पत्ता निकाला और पत्ते निकाल के मैं आपको बता दूँगा कि ये जो है हुकुम का छः नंबर है ठीक है तो यहाँ पर देखिए हुकुम का छः नंबर निकल गया तो ऐसे ही मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ यह बहुत ही मत ट्रिक है बस थोड़ा सा आपको फेशन रखना होगा और वीडियो को आराम से देखना होगा बिल्कुल भगाईगा मत ताकि आपको समझ में आ जाए कि यह काम कैसे हुआ मैं यहाँ से देखे पूरा मिक्स कर देता हूँ नहीं तो सबको लगेगा कि भाई मैं कहीं से पत्ते देखा अभी देखिए मैंने नीचे रख दिया ठीक है नीचे रख के मैं यहाँ से कटिंग भी कर देता हूँ कटिंग करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल जो है एक पत्ते यहाँ से ऐसे निकाला ठीक है निकाल के मैंने ऐसे रखा मैंने जैसे रखा मुझे ये पता चल गया कि चार नंबर मेरा ये भी हुकुम का है देखिए तो ये देखिए काम कैसे हुआ चलिए मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ और इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि यह जो एक मैजिक ट्रिक है तो इसका आप मैजिक ट्रिक के ही रूप में यूज़ करिए और बाकी देखिए दिवाली आने वाली ना तो इसमें आप मतलब सबको मैजिक दिखा के भी पैसे मतलब कमा सकते हो भाई मैजिक से भी आदमी कमा सकते हो जैसे आप बोलोगे भाई एक कार्ड लो और कार्ड में से ऐसे, ऐसे यहाँ से कोई भी एक पत्ती निकालो आप पत्ती निकालो मैं पत्ती देख के बता दूंगा कि यह पत्ती जो है दस नंबर ईट का है तो आप ऐसे बताओगे तो उसमें आप इनाम रखोगे भाई अगर मैं बता दूंगा तो मैं आपसे पाँच सौ हज़ार दस हज़ार दो लाख जो भी होगा वो लूँगा अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको दे दूंगा तो वो लोग जाहिर सी बात है मैजिक के लिए पैसे लगाएंगे तो आप आसानी से जीत सकते हो तो अभी इसमें आप जैसे तीन पत्ती का भी काम हो सकता है इसमें आप पंद्रह बार का भी काम कर सकते हैं लेकिन मैं उतना ही रिकमेंड करता हूँ जितना आप हारे हो उतना ही पैसे आप निकाल के इसको बंद कर सकते हैं ज़्यादा यूज़ मत करिए तो अभी देखिए जैसे तीन पत्ती में क्या यूज़ होगा तीन पत्ती में जैसे मैं आपको तीन पत्ती नहीं दो पत्ती बांट के बताऊंगा क्योंकि तीन पत्ती बांटने से प्रॉब्लम होती है जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे दो पत्ती आपका दो पत्ती मैंने अपना बांटा तो मुझे पता चल गया कि आप में एक नंबर है तो आप यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपका एक नंबर आ गया तो मुझे पता चल गया कि आप में एक नंबर भी है और दो नंबर भी वो तो भी आपका कलर का है कलर किसका है चिड़िंग का है एक कलर का आपको मिल गया और बाकी मेरा जो है किंग सबसे बड़ा है देखिए और ये जो है चार नंबर ए भी लेकिन ये पान का निकल गया देखा लेकिन आपका देखिए सॉरी चिड़िंग का भी एक नंबर है और उसके बाद दो नंबर वो भी चिड़िंग का है तो यानी आप में फलस आ गया तो आप आसानी से जीत जाओगे तो ये हो गया अब ये काम कैसे हुआ वो मैं आपको चलिए वीडियो में दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या करना होता है कार्ड को मैं पहले क्या करता हूँ जैसे यहाँ से कार्ड को ना सीरियल ले लेता हूँ ठीक है सीरियल में जैसे बादशाह ले लिया बेगम ले लिया बड़ी बड़ी पत्ती को मैं ले लेता हूँ ठीक है और एक गुलाम ले लेता हूँ मैं इन तीन पत्ती को दिखाता हूँ आपको इतने इस, में ही समझ में आ जाएगा ठीक है अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको और छोटी चीज़ पे लेता हूँ जैसे दो नंबर ले लिया ठीक है दो नंबर के बाद चार नंबर ले लिया और उसके बाद तीन नंबर ले लिया ठीक तो दो तीन चार ये सीरियल होगा मेरा तो यहाँ पर मैं दो रखूँगा तीन रखूँगा चार रखूँगा सबसे पहले मैं दो का दिखाता हूँ आपको ठीक है तो यहाँ पर आप क्लियरिटी देखिए आपको क्लियर दिखाई देगा आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए जो ये कॉर्नर होता है ना कॉर्नर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर तो यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर में देखिए बिल्कुल ये रेड है देख रहे हैं आप बिल्कुल रेड है लेकिन यहाँ पे देखिए हल्का सा आपको वाइट दिख रहा है तो आपको इससे फर्क तो पड़ा ही होगा कि यार यहाँ पे तो पूरा रेड है ये कैसे वाइट हो गया देखिए इधर भी इसका सेम वाइट है और इधर इसका वाइट नहीं है तो यानी कि अपोजिट आपको जिस हैंड से आप काट को पकड़ते हो उस हैंड में आपको अपोजिट जो है यहाँ पे इसको वाइटनर लगा लेना या तो आप किसी से नुकीली चीज़ से ऐसे स्क्रैच करेंगे तो आपका ये वाइट हो जाएगा तो ये आपका हो गया दो नंबर और रही बात कलर की कलर के लिए ये जो कट का निशान दिया हुआ है यहाँ पे देखिए चारों तरफ दिया हुआ ये अपने ऊपर है आपके ऊपर है आप कैसे भी डिसाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो निशान है ना यहाँ पर देखिए यहाँ भी चार ही निशान थे लेकिन मैंने एक निशान को यहाँ पर डाउन कर दिया अभी निशान को डाउन कर दिया यानी इसको हटा दिया मतलब मेरा ईट का हो गया दो नंबर ठीक है देखिए अब तीन नंबर का देखिए तीन नंबर का आप यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं कहीं पे भी व्हाइट नहीं लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये जो बिंदी है ना हल्की सी इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया बिंदी को जैसे ये देखिए तो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना देखिए पूरा क्लियरिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लेकिन यहाँ पर नहीं तो सेम ऐसे ही मैंने इस साइड में अपोजिट में मार दिया देखिए और यहाँ पर खाली कर दिया ये हो गया और बाकी यहाँ पर जो कट का निशान है ना मैंने इसके ऊपर में मार दिया तो यानी ये हुकुम का होगा जो काला पान बोलते हैं ना जिसको काला पान तो यानी काले पान का दो नंबर सॉरी तीन नंबर होगा और फिर चार नंबर देखिए चार नंबर का देखिए क्या है जो मैंने तीन नंबर नीचे किया था वही चार नंबर को मैंने ऊपर कर दिया देखिए इधर भी कर दिया और उसके बाद इधर घुमाएंगे तो वो भी आपको इधर ही मिलेगा ऐसा नहीं कि नीचे मिलेगा इसका भी ऊपर ही मिलेगा और इधर टर्न करेंगे तो इसका भी ऊपर ही मिलेगा ठीक है और बाकी आपको पता ही चल गया होगा कि ये जो कट का निशान है देखिए ऊपर का मीटाया तो हुकुम हो गया इधर का मीटा तो चिड़िंग का सॉरी पान का हो गया इधर का मीटा है तो चिड़िंग का हो गया और इधर का मीटा तो ईट का होगा हो यानी इस समय चिड़िंग का है क्या ना है चार नंबर है देखिए ठीक है तो सॉरी <coughs> तो अभी देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूं कि इसमें मैंने आपसे बात किया कि अंदर बाहर यानी कि अंदर बाहर में भी ये काम होता है अभी अंदर बाहर में कैसे काम होता है और अंदर बाहर खेलते कैसे वो मैं दिखाता हूँ जैसे सामने वाला क्या करता है आपने ऐसे काट को रखा ठीक है सामने वाला क्या करेगा काट को ऐसे उठा के पलटी मार देगा ठीक है यानी नौ नंबर काटा तो कहीं पे क्या होता है कि मतलब नौ से दस नंबर मांगते हैं आठ नंबर मांगते हैं ठीक है तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ जैसे नौ नंबर है मैं यहाँ से नौ नंबर मतलब ये नौ नंबर दूसरे कलर का नौ नंबर जिसके पास गिरेगा वो बंदा जीत जाएगा तो चलिए मैं यहाँ से आपको सिंपल सा पहले करके दिखाता हूँ कि देखिए नौ नंबर कहाँ पर आ रहा है ठीक है तो आपको कैसे पता चलेगा कि नौ नंबर आने वाला है तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि नौ नंबर कहाँ पे जाने वाला है ठीक है मैं अभी ये नहीं बताने वाला कि अंदर एक बार है कार आएगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे देखिए अब ये नौ नंबर जो है आपका बाहर जाने वाला है ठीक है देखिए ठीक है तो यही क्या होता है ये जैसे इसमें एक काम होता है अभी ये देखिए नौ नंबर है ठीक है अभी इसमें देखिए एक जादू मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है अभी आपके सामने नौ नंबर ऊपर दिख रहा था ना लेकिन अब देखिए नौ नंबर नीचे हो गया देख रहे हैं। इधर हो गया और इसको मैं अंदर ले लूँगा तो मैं जीत जाऊँगा ये भी एक मैजिक है तो इसके लिए आपको क्या करना है बस वीडियो को पूरा देख लीजिए और पूरा देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आ तो कमेंट करो ताकि मैं आपको अंदर बाहर का जो ट्यूटोरियल होता है कि इस ट्रिक को मैंने कैसे समझा इस मैजिक को मैं कैसे सीख पाऊंगा तो उसका आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए उसको शेयर करिए ताकि मैं आपको और आगे इसका पूरा ट्यूटोरियल बता सकूँ और बाकी रही बात वीडियो की तो देखिए मैं वीडियो कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे अच्छी वीडियो बनाऊँ मैं एक बार औ करके दिखाता हूँ आपको अंदर बाहर में मैं वीडियो को जानबूझ के लंबा नहीं करता इसमें काम होता है उसके लिए लंबा करता हूँ यहाँ पे देखिए अभी जैसे एक ट्रिक होता है कि कहीं पे ऐसे पत्ती निकालते हैं यहाँ पे रख देते हैं इसको नीचे रखते हैं और इसको ऊपर रख के पत्ती को ऐसे चलाते हैं ठीक है तो मुझे पता चल गया कि ये चार नंबर कटा हुआ है तो देखिए मैं यहाँ से ऐसे पत्ती को फेंकता हूँ ठीक है तो अब चार नंबर जहाँ पर जाएगा वो बंदा जीत जाएगा देखिए चार नंबर मैं मार रहा हूँ अभी जैसे देखिए चार नंबर है ठीक है चार नंबर है तो मैं क्या करूंगा इस पत्ती को मतलब कहीं से भी गैप कर दूंगा तो चार नंबर मिलेगा ही नहीं देखिए ठीक है अभी चार नंबर कहाँ है देखिए चार नंबर ए यहाँ पे है देखिए कहाँ पे सॉरी ये देखिए यहाँ पे चार नंबर ठीक है तो मैंने इसको नीचे से देख लिया कहाँ से मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि ये जो पत्ती होती है ना इसको मतलब यूँ पकड़ के मतलब ऐसे फेंकते हैं ना तो इसको यहाँ से नीचे से निकाल सकते हैं ठीक है ये निकालने वाला जो तरीका होता है ये आपको अगर चाहिए तो वो भी बताइए हम आपको उसका भी तरीका आपको बताएंगे और बाकी तीन पत्ती में जैसे तीन पत्ती में जो अपनी दूसरे के पास मतलब बड़ी पत्ती रखो या उससे उससे बड़ी अपने पास रखो उसका भी ट्यूटोरियल मेरे पास है वो भी चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और बाकी देखिए काम होता है कलर चेंज का ये देखिए ये कलर चेंज का काम होता है जैसे यहाँ से किसी को बोलो भाई देखो मैं जादू दिखाता हूँ तो ऐसा बोलो कि भाई देखो मैं जादू दिखाता हूँ बस सीधा यहाँ से कार्ड को ऐसे टर्न करेंगे तो आपका कार्ड जो, जो है ईजिली जो है ऊपर नीचे होता रहेगा देखिए देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ से आपको देखिए दिखाई नहीं देगा अभी उसको बोलो कि जैसे ये चीज़ मैं बीच में रख रहा हूँ ठीक है कहाँ पे यहाँ पे उसको बोलो भाई देखो कार्ड बीच में ना मैं इसको ऊपर ला दूँगा देखिए ठीक है तो क्या करना पड़ेगा पड़ेगा आपको बस कार्ड को यूँ पकड़ना है ठीक है और यूँ ऐसे लाना है तो एक नंबर ऊपर आ जाएगा जो कि कार्ड बीच में था आपने खुद देखा देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ पे बीच में देख रहे हैं बिल्कुल बीच में मैं कार्ड को सिंपल ऐसे रखूंगा और यहाँ बस बात करूँगा और कार्ड को ऐसे ऊपर कर लूंगा तो ये हो गया ट्रिक अभी ये सब काम कैसे होता है इसका सारा भी ट्रिक आपको मैं दिखाता हूँ देखिए जैसे ये कार्ड है ना इस कार्ड को आपको क्या करना है सिंपल सा कार्ड को यूँ होल्ड कर लेना है होल्ड करने के बाद इस कार्ड को ऐसे स्लाइड करना है देखिए इसको बस ऐसे स्लाइड करना है कार्ड को ऐसे स्लाइड करेंगे आप मेरा दूसरा वाला वीडियो देखिए इसी में दूसरा वीडियो उसमें मैं आपको आपको मैंने दिखाया कि कलर चेंज कैसे करते हैं तो कलर चेंज में आपको क्या करना है सिंपल से इस कार्ड को ऐसे यूँ पकड़ना है और इसको बस थोड़ा सा ऐसे मूव करना है यानी ऐसे मूव करेंगे तो आपका कार्ड देखिए यहाँ से ऐसे चेंज हो जाएगा देखिए और ये चीज़ आपको पहले स्लो स्लो करना है ऐसे ठीक है ऐसे स्लो करेंगे उसके बाद आपको बस यूँ फटाक से कर देना है ठीक है भाई तो देखिए वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है इस भाई का कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए मेरे वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और ऐसे वीडियो बना सकूं और मैं आपको और अच्छे अच्छे ऐसी मैजिक ट्रिक सिखाक चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार